काम पे लगाया गया था तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर। और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फॉलोअर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी, प्लेट के बारे में हमको डांटे बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए तुम, काम यहाँ मत करो। तो हम बोला चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रो के यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुँची, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज़ भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है, हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफ़ी चाहते हैं। कि वो लगाया था आपने आरोप? हमने इसीलिए लगाया था कि जो नौकरी से हमको निकाला गया इसलिए हमने निकाल दिया। कौन लगवाया था आपसे आरोप? कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। किसी दबाव में लगाए थे? कोई दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से लगाए थे और अपनी मर्जी से हम बयान भी दे रहे थे। अच्छा, बयान आप किसी पुलिस अधिकारी के दबाव में तो नहीं दे रहे? नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में। जांच टीम गठित की गई है, इसमें आईजी प्रयागराज हैं चंद्र प्रकाश, उनके नेतृत्व में। क्या जांच टीम ने आपसे संपर्क किया अभी तक? नहीं। अगर जांच टीम बुलाती है तो क्या उनके समक्ष आप पेश होंगी? हाँ बिल्कुल पेश होंगे। क्या बयान देंगी? यही बयान जो चल रहा है यही को देंगे हम, कि वो गलत नहीं है, वो सही है। हमने लगाया था प्रावधान, वो गलत नहीं नहीं, कोई कोई ना पैसा ना कोई कौड़ी ना कोई ऐसी चीज। आरोप लगाया कि ब्लाउज चीर दिया गया है, कुछ भी नहीं, सरासर गलत है, वो अपने से बनाया गया।